इवेंट का हमने चैप्टर पढ़ा है, माउस इवेंट हमने देख लिए हैं, बटन के इवेंट हमने देख लिए हैं, लिंक के इवेंट्स हमने देख लिए हैं। यार अभी वो असल में फॉरन ऑन हुआ है ना ये वाला। यार नहीं इसको जलने दो यार, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है अभी। तुम सीटिंग अपनी यहाँ ले आओ ना, ये फ्रंट पे एक सीट खाली है, यहाँ आ जाओ तुम। तो हमने इवेंट जो है ना, वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, वो भी सीट अवेलेबल है। अच्छा बैठ जाओ। मैं असल में इसीलिए आप लोगों को कहता हूँ कि ये आप पैनोरामिक होकर जो बैठते हो ना राइट टू लेफ्ट, तो कोशिश करो कि ये सेंटर वाली जगह पे पहले फिल किया करो ना सीट्स, क्योंकि आप जब साइड पे हो जाते हो ना तो मुझे पूरी गर्दन घुमानी पड़ती है, तो सम टाइम सबकी तरफ मैं देख नहीं पाता, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी इग्नोर्ड फील होता होगा। मतलब ये साइकोलॉजी है ऑडियंस की कि अगर आप बात करते हुए तमाम ऑडियंस की तरफ ना देखें ना तो कुछ लोगों को मिस्ड आउट फील होता है, तो वो आप लोगों को होता होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब तो हमारे पास क्योंकि ऑडियंस कम हो चुकी है, हमारे पास आधी क्लास बची है, आधी क्लास शार्ट हो गई है, ज़ाहिर है मुश्किल काम है, हर किसी के बस की नहीं है बात। तो आप कोशिश किया करें कि ऐसी जगह पे बैठें ताकि ना एक जगह ही आप हों, ताकि सबकी तरफ देखना आसान हो मेरे लिए। बड़ी जल्दी आए भाई, कहाँ थे? बस यहाँ भी आ जाया करो फिर। देखो कोशिश किया करो क्लास से कुछ देर पहले आ जाओ, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जब बिल्ड हो जाता है ना क्लास का, तो फिर आगे की बात मुश्किल हो जाती है समझना अगर वो कॉन्टेक्स्ट बिल्ड होते हुए आप मौजूद ना हो तो। वेल, तो हमने यार इवेंट्स को इटसेल्फ बड़ी डिटेल में पढ़ा था। आई होप कि इवेंट सब लोगों को क्लियर होगा कि इवेंट क्या चीज़ होता है, और हमने एक एक करके फिर वो मेजॉरिटी जो है वो इवेंट की वो सारी हमने कवर की है कि जी बटन पे क्या क्या इवेंट हो सकते हैं, माउस पे क्या क्या इवेंट हो सकते हैं, और आज हम देखने जा रहे हैं कि जो टेक्स्ट फील्ड है या किसी भी किस्म की जो 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 फॉर्म वाली फील्ड की बात हो रही है ये, तो उन पे कौन कौन सी जो है ना इवेंट्स उस पे हो सकते हैं। सपोज़ यू हैव एन ईमेल फील्ड इन अ फॉर्म एंड यू हैव मेड इट रिक्वायर्ड फील्ड, द फॉर्म हैज़ अ सबमिट बटन दैट यूज़र क्लिक टू सबमिट द फॉर्म। ठीक है जी, रिक्वायर्ड कर दिया आपने और सबमिट का बटन जब वो दबाएगा तो ऑब्वियसली वो सबमिट करने नहीं देगा उसको, क्योंकि आपने उसको रिक्वायर्ड किया हुआ है। दिस इज़ द मार्कअप दैट क्रिएट दिस दिस दिस। अच्छा जी, ये इन्होंने बताया है कि जी मार्कअप है ये वाला, तो कुछ इस तरह का आपने मार्कअप लिख लिया। ओके जी, आगे अब ये कह रहा है जी आप इनपुट फील्ड को एक आईडी दोगे जाहिर है, और फिर आप लगाओगे फॉर्म के ऊपर ऑन सबमिट। अच्छा, ये ऑन सबमिट वाला काम बुक में अभी कवर हुआ है, क्योंकि ऑन सबमिट इज़ एन इवेंट। जब फॉर्म के ऊपर आप सबमिट का बटन प्रेस करते हो तो दिस इवेंट अकर्स, है ना, और उस इवेंट के अकर होने की सूरत में हमें क्या कुछ मिलता है, हमें पूरा का पूरा फॉर्म मिलता है, और हम चाहें तो उस फॉर्म में से डेटा उठा लें, या हम यानी जाहिर है जब ये ऑन सबमिट चलता है तो इसका एक इवेंट का एक ऑब्जेक्ट होता है, तो ये हमने अभी तक वो इवेंट का ऑब्जेक्ट पकड़ के नहीं देखा, वो भी मिलता है हमें। तो वो इवेंट का जो ऑब्जेक्ट मेरे पकड़ में आता है ना जो, उसके अंदर वो पूरा का पूरा फॉर्म का एलिमेंट होता है। तो मैं कहूँगा कि फॉर्म डॉट इनपुट डॉट ईमेल, और वैसे करके वो मुझे मिल जाता है, ऐसे करके भी उठा सकता हूँ मैं। या अगर मैंने अपने इनपुट फील्ड को आईडी दी हुई है तो मैं आईडी से उठा लेता हूँ। आईडी से उठाना हमने देखा है नस्बतन आसान रहता है, तो हम उस तरह से करते हुए आएँ। तो ये वो बात यहाँ पे अभी डिस्कस हो रहा है जो हम क्या कहते हैं वेदर ऐप बनाते हुए, और उससे भी पहले हम इनपुट आउटपुट हमने सीखा था जब जावास्क्रिप्ट के काफ़ी शुरू में ही हमने इनपुट आउटपुट सीख लिया था। तो जी ये वो वाली सारी बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, अब ये बता रहा है कि जी वो ये डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी में डॉक्यूमेंट जो है वो एच टी एम एल डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, और गेट एलिमेंट का मतलब है कि आप उस डॉक्यूमेंट में मौजूद जितने भी सारे एलिमेंट हैं उनमें से कोई एलिमेंट गेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आप एक आई डी पास करते हैं कि जी वो फला आई डी वाली मुझे जो है ना एलिमेंट मुझे ला के दो, और उसके आप डॉट वैल्यू लगाते हैं कि जी मुझे इसकी वैल्यू अब चाहिए, पूरा एलिमेंट मुझे नहीं चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए। तो
वेल ये तो हम ऑलरेडी कर चुके थे तो उस पर ज़्यादा हमें डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। सेटिंग फील्ड वैल्यूज़, अब ये तो हो गया कि टैक्स वैल्यू उठाएंगे कैसे हम जो यूज़र ने एंटर किए, अब हमें कभी सेट करना पड़ जाए वैल्यू किसी इनपुट फील्ड की तो वो हम कैसे करेंगे। सेम तरीके से जैसे उठाते हैं वैसे ही हम उसमें वैल्यू इंसर्ट भी करा सकते हैं कि जी आपके पास ये एक इनपुट फील्ड है और इनपुट फील्ड आप कहेंगे कि जी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, उस इनपुट फील्ड को उठाएंगे डॉट वैल्यू इक्वल्स टू करके जो लिखेंगे वो उसमें चला जाएगा, उसमें डिस्प्ले हो जाएगा वो। वेल यहाँ पे इन्होंने एक जो है ना एक सिनेरियो क्रिएट किया, उसमें ये कहते हैं कि द यूज़र हैज़ एंटर्ड जिप कोड इन अ फॉर्म, यू वॉन्ट टू सेव हर द ट्रबल ऑफ एंटरिंग द सिटी एंड स्टेट। कह रहा है कि जी बंदा एक आया उसने अभी जिप कोड लिख दिया ना। अच्छा जिप कोड सब लोगों को पता है क्या होता है? पोस्टल कोड या जिप कोड एक ही चीज़ होती है, लेकिन वो होता क्या है? कोई सिटी का, हर सिटी का होता है? नहीं हर सिटी का नहीं होता, एरिया का भी नहीं होता, नहीं डिस्ट्रिक्ट का भी नहीं होता। कोई भी आप में से अगर बताना चाहे, अपना ओपिनियन देना चाहे, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज अ जिप कोड या पोस्टल कोड? पोस्ट ऑफिस जिप कोड के हिसाब से बने और पोस्ट ऑफिस के लिए ही बनाया गया जिप कोड, बट व्हाट इज अ जिप कोड इन द फर्स्ट प्लेस? व्हाट इज अ पोस्टल कोड? अच्छा वो मैं बता देता हूँ क्या है। पूरी दुनिया को ना उन्होंने ग्रिड में बांट दिया, सही है। अभी अगर मैं लिखूँगा ना यहाँ पे कि पोस्टल कोड ग्रिड, जिप कोड ग्रिड मैप, अब यहाँ पे वो उस तरह से नहीं दिख रहा मुझे, बहरहाल वर्ल्ड मैप लगाता हूँ ना साथ में। ये है मेरा भाई वो ग्रिड, सही है। अब ये इतना बड़ा ग्रिड जो है वो इतने छोटे मैप, हाँ ये आ गया ना, ये बिल्कुल बेहतरीन आइटम आ गया। ये है वो ग्रिड पोस्टल कोड का, तो पूरी दुनिया को ना इन्होंने ग्रिड में डिवाइड कर दिया। अब वो ग्रिड में डिवाइड करने से फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि अगर मैंने बता दिया ना जिप कोड, तो आप जिप कोड लेके ना एक डब्बे में आप यूँ पेन की निब रख दोगे कि इस डब्बे में कहीं एड्रेस है। तो पोस्टल कोड इस वजह से पोस्ट ऑफिसेज में और एड्रेस में पोस्टल कोड की बड़ी अहम वैल्यू हुआ करती थी एक ज़माने में, अब तो नहीं होती क्योंकि अब तो आप कोऑर्डिनेट्स लगा देते हैं ना, जीपीएस आ गया। अब तो ये नॉन जीपीएस के टाइम का ये आइटम हुआ करता था कि जी वो इनमें ये हर डब्बे का एक अलग नंबर है और वो एक्स वाई पे वो वैल्यू डिपेंड करती है। तो मुझे अगर वो नंबर पता चल गया कि भाई 7550 अगर है तो वो 7550 कहाँ लाए करेगा, अब इसको पढ़ना कैसे होता है कैसे होता है वो अभी अब छोड़ दें फिलहाल। तो लेकिन पॉइंट ये, अब इस एक डब्बे में कहीं पर दो सिटी हैं, कहीं पर तीन सिटी हैं, कहीं पर एक ही सिटी चार डब्बे पे है, जैसे भाई बहुत बड़े बड़े सिटीज़ भी होते हैं, है ना। तो हो सकता है कि जो है ना आप देखें बहुत सारे मुल्क हैं ना जो पूरे, वो एक डब्बे में दो मुल्क भी आ रहे होंगे पूरे, इतने छोटे मुल्क भी मौजूद हैं। हाँ आप देखें ना ये मतलब पूरा मुल्क एक डब्बे के अंदर आ रहा है, इतने छोटे मुल्क देंगे या मौजूद हैं। हाँ ये देखें आप, ये पूरा मुल्क एक ही डब्बे में आ रहा है। अच्छा बाई द वे दुनिया में ना सिटीज़ छोटे छोटे होते हैं, ये हमारा यानी कराची सिटी इज़ अ वेरी बिग सिटी। हाँ दुनिया का सबसे बड़ा तो खैर नहीं होगा लेकिन बड़ा है बाहर। अच्छा आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, नहीं असल में जो दुनिया के सबसे बड़े शहर होंगे ना वो मॉस्को वगैरह में होंगे, इधर टोक्यो है ना। हाँ तो क्योंकि उनके पास वो जगह बहुत है, रशिया में भाई इतने मतलब 100-100 किलोमीटर कुछ नहीं है वहाँ, हमारे यहाँ भी है वैसे, मतलब 100 मिसाल के तौर पे जैसे एक बस पे बैठते हो कहाँ जाते हो, गुलशन से बैठोगे नीपा उतर जाओगे, नीपा से बैठोगे शाहरा फैसल उतर जाओगे, वहाँ 100 किलोमीटर है। तो
मतलब बहुत उनका वीराना बहुत पड़ा हुआ है रशिया के अंदर। रशिया में देखोगे इतना बड़ा है वो मैप में, लेकिन वो बंदे नहीं उतने इधर हैं। तो बहरहाल वैसे वैसे भी कनाडा भी बहुत बड़ी जगह है, लेकिन कनाडा में भी वो उनकी जो 70% आवाम है ना वो एक पट्टी में रहती है, पूरा बाकी खाली पड़ा हुआ है। बाकी उधर कौन रहेगा जाके यार, -8, -25 उसके अंदर सर्दी हुई भी है। तो बस वो जो समुंदर के साथ उनकी पट्टी है ना, वो वहाँ पे वो सारे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी है, तो वहाँ पे वो पता नहीं कुछ है हिसाब किताब उनका, तो वहाँ थोड़ा बंदे सारे उधर ही इकट्ठे हुए हैं। हाँ, तो दुनिया भर में जो शहर होते हैं ना वो छोटे ही होते हैं। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का शहर होता है। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का मतलब है कि औरंगी टाउन से यहाँ 20 किलोमीटर है, तो यहाँ इतनी जगह में 2 शहर होंगे। सही है ना, औरंगी से गुलशन जो है 20 किलोमीटर है। तो मतलब जो ट्रैवल करके आ रहा है तो दूसरी दुनिया में, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड में 2 शहर होते हैं अपने में 5 किलोमीटर। फिर वो क्या करते हैं, वो शहर को समेट देते हैं। बीजिंग वगैरह पे आप कभी जाएं तो वहाँ पे शहर को उन्होंने समेटा हुआ है। उन्होंने बोला भाई इतने पे ही रहो, बिल्डिंग बनाते हैं वो ताकि वो लोग सारे इकट्ठे हों, कम्युनिकेशन आसान हो, लेन देन आसान हो। तो हमारा शहर जो अच्छा खासा बड़ा है। वेल, तो इसने ये बोला कि अब आपको ये जुमला समझ आएगा, क्योंकि जिप कोड समझ आ गया ना, अब आपको ये जुमला समझ आएगा कि भाई इफ़ द यूज़र हैज़ एंटर्ड जिप कोड इन अ फॉर्म यू वॉन्ट टू सेव हर ट्रबल ऑफ एंटरिंग द सिटी एंड स्टेट। अब वो कह रहे हैं कि भाई जिप कोड उसने लिख दिया है, अब आप क्या करना चाहते हो कि सिटी और स्टेट का ना ऑटोमेटिक फिल हो जाए जिप कोड लिखते ही, बता सकते हैं? बिल्कुल, बहुत कम ऐसा होगा कि एक जिप कोड में 2-3 सिटी लग रहे हो, कम ऐसा होगा, ज़्यादातर तो एक ही सिटी होगा। सो व्हेन शी क्लिक्स आउट द फील्ड, जैसे ही वो जिप कोड लिख के अगले फील्ड पे क्लिक करे या जिप कोड वाले फील्ड से बाहर क्लिक करे, ठीक है, यू फिल द सिटी फील्ड फॉर हर समहाउ। आपके पास हो सकता है कोई टेबल पड़ा हो, क्योंकि ये तो फिक्स है ना, ये तो चेंज नहीं हो रहा। दुनिया के जितने सिटी हैं सबका साथ साथ जिप कोड होगा, फॉरन सर्च करके मार दोगे कि यार ये सिटी है इसका और ये स्टेट है इसका। अच्छा, लेट मी शो यू हाउ टू डू दैट। टू कीप थिंग्स सिंपल वी विल प्रिटेंड देयर आर ओनली 3 जिप कोड इन यूनाइटेड स्टेट्स। कह रहे हैं कि अभी हम थोड़ा शॉर्ट वर्जन करते हैं, क्योंकि 3 ही जिप कोड हैं पूरे यूएस में। वी विल ऑल्सो प्रिटेंड दैट यूजर विल एंटर वन ऑफ दीज कोड्स। हम अभी इमेजिन कर लेते हैं कि यूज़र इन्हीं में से कोई एक कोड डालेगा। सही है, शॉर्ट वर्जन बना लिया। वैसे तो जिप कोड बहुत सारे हैं, वो ग्रिड है पूरा। वी डोंट चेक फॉर एरर्स, और इस केस में हम अभी एरर के लिए भी चेक नहीं कर रहे हैं, हम अभी सीधा सीधा बना रहे हैं, छोटा कोड बना रहे हैं, MVP कहते हैं। MVP यानी मिनिमम वायबल बना रहे हैं अभी। एंड दिस एग्जाम्पल द जावास्क्रिप्ट कोड विल फिल ओनली सिटी फील्ड नॉट द स्टेट। और कह रहा है कि अब हम सिटी और स्टेट दोनों नहीं फिल करेंगे, हम जस्ट एक सिटी को फिल करते हैं अभी टू स्टार्ट विथ। हेयर इज द रेलिवेंट मार्कअप फॉर द फॉर्म। अब ये इसने भाई एक बना दिया, एक फॉर्म बना के दे दिया आपको कि जी ये फॉर्म होगा, फॉर्म यहाँ पे क्लोज हो रहा होगा, साथ में यहाँ पे लिखा है इसने जिप, जिप के साथ एक इनपुट फील्ड बनाई है। इनपुट फील्ड में इसने कहा है जी टाइप इसका टेक्स्ट होगा, IDs को दे दिए, एक ऑन ब्लर के ऊपर एक ऑन ब्लर एक इवेंट है, ठीक है। अच्छा, ये आप अब तो आपको आइडिया होता जा रहा होगा कि ऑन जो लगा हुआ है साथ में, मतलब वो कुछ है ना, मतलब ऑन ब्लर का मतलब क्या है कि जब ब्लर हो, या ऑन क्लिक, या ऑन क्लिक, ऑन क्लिक का मतलब है कि जब क्लिक हो। अच्छा, ये ब्लर किसको कहते हैं? ब्लर इसको कहते हैं कि किसी चीज़ पे फोकस होता है और ब्लर होता है, दो चीज़ें होती हैं। फोकस का मतलब क्या होता है कि मैं अगर मेरे पास कोई फॉर्म है, जैसे ये कि स्टैक ओवरफ्लो का फॉर्म खुला हुआ है, ठीक है, ये हमें मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हो एक फोकस में आ गया, ये इसके ऊपर एक ऑटोमेटिकली एक ना बॉर्डर बन के आ गया है। अच्छा, ये बाहर जब मैं क्लिक करूँगा तो दिस इज़ ब्लर, ठीक है, ये दोबारा फोकस, ये दोबारा ब्लर, ये दोबारा फोकस, ये दोबारा ब्लर, तो ये हिसाब है। अच्छा, बटन पे भी फोकस होता है, ठीक है, बटन पे भी फोकस। अब वैसे तो मैं इधर जाता हूँ जब, तो ये दिस इज़ नॉट फोकस, दिस इज़ होवर, ठीक है। फोकस कैसे होगा? क्लिक तो कर नहीं सकता मैं, क्लिक करूँगा बटन प्रेस हो जाएगा, फोकस कैसे होगा? फोकस होगा टैब सीक्वेंस से। देखो, ये देखो फोकस कौन हो गया, अभी हेडिंग, हेडिंग भी फोकस हो सकती है, बटन फोकस हो गया, ठीक है, माउस अलग ही नहीं है। अच्छा, शिफ्ट टैब दबाऊंगा तो वापस पीछे आएगा, टैब दबाऊंगा तो वापस आगे जाएगा, ये टैब सीक्वेंस हमारा चल रहा है। टैब सीक्वेंस पे हमने थोड़ी सी गुफ्तगू की थी पहले भी, उसको अलग से भी पढ़ लीजिएगा। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में ना टैब सीक्वेंस पे बड़ा जोर होता है, टैब सीक्वेंस का उसमें पूरा पूरा चैप्टर बांधा हुआ होता है उन्होंने डेस्कटॉप एप्लीकेशन में। वेब एप्लीकेशन में आमतौर पर मैंने देखा है कि बुक्स में इसको डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये जाहिर एग्जिस्ट करती है ये चीज़। तो ये आपने शिफ्ट दबाओगे तो ये आगे जाता जाएगा, देख रहे हो, एक एक चीज़ पे ये जाता है।
तो ये जिस चीज़ पे जा रहा है ना वो चीज़ फोकस में है, और फोकस पे होने का मतलब क्या है कि आप एंटर या स्पेस दबाओगे तो उस पर क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो इवेंट हैं अलग अलग, फोकस इज़ अनदर इवेंट और क्लिक इज़ अनदर इवेंट। तो जी इसने बोला कि भाई फोकस ऑन फोकस पे तो कुछ नहीं किया इसने, कि भाई फील्ड पे जब फोकस हो तो उस पर कुछ नहीं किया, उस पर भी लगा सकता हूँ मैं कुछ अगर चाहूँ तो। इसने कहा जी ऑन ब्लर पे ना मुझे आप ये फंक्शन चलवा दो, फिल सिटी, ठीक है। अच्छा, ऑन ब्लर का मतलब ये है कि बंदा टाइप कर चुका है जिप कोड और फिर उसके बाद ब्लर होगा, तो ब्लर के फंक्शन चलने पे मैं क्या करूँगा, मैं उठाऊँगा इस इनपुट फील्ड में से जिप कोड और उस जिप कोड के अगेंस्ट मेरे पास मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर में भी सिटी का नाम पड़ा हुआ होगा, मैं उस ऑब्जेक्ट में से सिटी का नाम निकालूंगा उस जिप कोड के कॉरस्पॉन्डिंग में जो होगा, और उसको मैंने फिल करवाना है अब इस वाले के अंदर। मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी या क्वेरी सेलेक्टर, और ये सिटी का आई डी लगाऊंगा मैं, डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, और जो भी मैंने स्ट्रिंग उसमें रखवाना होगा ये मैं रखवा दूंगा। अभी इन्होंने देखेंगे आगे यही काम किया है इसने भाई, ये फिल सिटी का फंक्शन जब चलता है तो ये कहते हैं कि जी सिटी नेम एक बनाओ वेरिएबल, अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं रखी इसने शुरू में, लेकिन वेरिएबल बना दिए। अच्छा, एंटर्ड जिप के जिप बंदे ने क्या एंटर किया है वो इधर कैसे पकड़ा है इसने, इसने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी जिप डॉट वैल्यू, ठीक है, जिप की वैल्यू यानी कि इस टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू को पकड़ा, ये आ गया। अच्छा, फिर स्विच लगाया, ठीक है, स्विच में इसने ये एक दो और ये तीन ही जिप कोड हैं इसके पास, उस पर स्विच लगा दिया, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये आपका जिप कोड अगर ये होगा तो सिटी नेम में शिकागो चला जाएगा, अगर जिप कोड ये हुआ तो ये ओमाहा चला जाएगा, और जिप कोड ये हुआ तो ये वाला चला जाएगा। इसने शुरू में ही कह दिया था कि वी आर नॉट चेकिंग फॉर एरर्स, तो एरर वगैरह इसने चेक नहीं किया कि भाई इसके अलावा कोई हो तो क्या हो नहीं हो, इसने बस तीन पे ये बनाया। और जो भी सिटी नेम में वैल्यू जाती है इस स्विच केस के कंप्लीट होने पर, इसने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी सिटी, यानी कि ये वाला एलिमेंट, ठीक है, डॉट वैल्यू, और उसमें वो स्ट्रिंग रखवा दिया, तो ये चला गया, ठीक है जी। अच्छा, इस पॉइंट पर मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि इसकी ना जिप कोड से सिटी का नाम पता लगाने की बहुत सारी लाइब्रेरीज़ भी मौजूद हैं, और लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं क्योंकि ये फिक्स एक लिस्ट है, लेकिन बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। लाइब्रेरी क्या होती है कि बहुत सारे फंक्शन बना के आप एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, उसको हम लाइब्रेरी कहते हैं। तो वो उन्होंने ये पहले ही कर दिया आपके बिहाफ पे ये काम, ताकि आपको ये करना ना पड़े। तो हम ज़रा आके ना रेंडमली ऐसे सर्च कर लेते हैं कि जी हम जिप कोड टू सिटी नेम JS, ठीक है। ये जो है ना, इसने कुछ किसी ने सवाल पूछा है यहाँ पे, देखते हैं इसको क्या जवाब दिया है बंदे ने। ये तो जी किसी ने जवाब दिया, इसको माइनस कर दिया उसने। बिलो इज द कोड टू चेक सिटी नेम और जिप कोड यूजिंग गूगल API। ओके, गूगल वालों की एक API भी मौजूद है, उसको आप जिप कोड भेजो, सामने से सिटी का नाम भेजता है वो, ठीक है। ये गूगल मैप करके ये एक मौजूद है, तो ये जो है इसका जो URL है, अगर कोई अलग से इसको बाद में खोल के देखना चाहे तो ये रिकॉर्ड पे आ चुका है। तो ये API है, इसको आप लगा के जो है ना गूगल से भी ये पता लगवा सकते हैं। अच्छा, ये जियो कोडर करके एक गूगल की ही एक लाइब्रेरी भी है जियो कोडर के नाम से, उससे भी ये काम हो जाता है। वेल, मैं देखना चाह रहा हूँ कोई थर्ड पार्टी सीधी सीधी बिल्कुल लाइब्रेरी मिल जाए हमें, हम इसके साथ जो है ना JS लाइब्रेरी, ये रहा सिटी जिप, वाट, अच्छा जिप कोडर करके एक चीज़ यहाँ पे मिली है मुझे, ये क्या करता है, गेट जिप कोड सिटी एंड कंट्री फॉर गिवन कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स लेता है और उससे सिटी का नाम बताता है,
कोऑर्डिनेट्स मतलब जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोकेशन जब गेट करते हैं तो हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलता है, वो ये इनपुट लेता है, और वो इनपुट लेने के बाद सामने से आपको सिटी कोड, सिटी और स्टेट का नाम बताता है और ज़िप कोड भी बता देता है कि उस कोऑर्डिनेट में ज़िप कोड कौन सा लगता है। तो अच्छा, एट द मोमेंट ज़िप कोडर इज़ जस्ट सपोर्टेड फॉर गूगल मैप जियो कोडिंग API। सही है, तो ये भी पीछे गूगल की ही कोडिंग API इस्तेमाल कर रहे हैं, जियो कोडिंग API। तो मेरा ख्याल है कि गूगल मैप सही सजेस्ट किया हुआ था स्टैक ओवरफ्लो पे ना उन्होंने कि जी गूगल से आप डायरेक्ट उसको गेट करें। गूगल मैप पे आपको पता है तमाम बिजनेसेस और तमाम सिटीज़ उस पर लेबल हुए हैं। अच्छा जी, और अगर आप चाहें तो ये मैनुअली भी कर सकते हैं, जैसा कि आपने देखा वो एक चार्ट मौजूद है, उस चार्ट के ऊपर आप कोई लॉजिक ऐसे डेवलप कर लें कि जी वो आपको सिटी का नाम बताया तो ना खुद ही कैलकुलेट कर ले या कोऑर्डिनेट से वो कैलकुलेट कर ले। ठीक है जी, इस कोड में कोई सवाल तो नहीं है किसी का, ये जिप वाली इसने चीज़ की है, और हमने गेटिंग वैल्यू और सेटिंग वैल्यू दोनों पढ़ लिया है कि इनपुट फील्ड में वैल्यू को गेट और सेट कैसे कर सकते हैं हम। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ये इसका पर्पस ये है कि जो बंदे ने अभी अभी जिप कोड एंटर किया है ना उस टेक्स्ट फील्ड में से ही उसने वैल्यू उठाई है। हाँ, आप देखें ना इस इनपुट फील्ड पे आप ज़रा देखें, गौर करें, इसमें जिप लिखा जा रहा है, इसमें सिटी लिखा जा रहा है, ये दो इनपुट फील्ड्स हैं। तो ये पहली इनपुट फील्ड है, इसमें बंदे ने अभी अभी इनपुट दिया है 7550 मिसाल के तौर पर, उसने जिप कोड डाला। जिप कोड डाल के जैसे ही बाहर क्लिक करेगा उस इनपुट बॉक्स से तो क्या चलेगा, तो ये ऑन ब्लर का फंक्शन चलेगा। तो ये आईडी इसकी क्योंकि जिप है ना, तो इससे वैल्यू उठाने के लिए उसने जिप का इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसने कहा भाई गेट एलिमेंट बाई आईडी, जिप लिखा हुआ है ना जिस इनपुट एलिमेंट के ऊपर उसकी वैल्यू उठाओ, और उसकी वैल्यू उठा के उसने फर्दर उसको प्रोसेस किया है, और प्रोसेस करने के बाद रखवाया कहाँ है, रखवाया है सिटी वाले पे। ठीक है, आप देखें ये सेकंड वाले पे उठाया फर्स्ट वाले से जिप कोड, और उस जिप कोड का सिटी पता लगाया है, और सिटी फिर रखवाया सिटी वाले एलिमेंट के अंदर। फिर वो नहीं चलेगा, वो ये बात इसने वैसे सही की है। मिसाल के तौर पे फॉर्म में तो पहले जिप कोड है मिसाल के तौर पे, लेकिन उसने जिप कोड को स्किप करके पहले सिटी नाम फिल कर दिया, फिर वो वापस गया जिप कोड फिल करने, तो जैसे ही जिप कोड फिल करके हटेगा सिटी चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये इनकन्वीनियंस का सबब बन सकता है। ठीक है, तो मे बी हम इसमें एक 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 लॉजिक और लगा लेंगे हम। नहीं, हमेशा टोक्यो नहीं आएगा, हमेशा नहीं आएगा ना, क्योंकि एक जिप कोड में एक से ज़्यादा सिटी भी लगते हैं कुछ जगहों पर। तो मिसाल के तौर पर टोक्यो और साथ में कोई और भी शहर था वो आता था, तो उसने वो दूसरे वाले शहर का नाम लिखा, लेकिन वो टोक्यो आ गया फिर बाद में। तो ये इनकन्वीनियंस का सबब बन सकता है, लेकिन आप क्या करोगे, असल में जिप कोड के ना वैलिडेशंस भी आती हैं, जिप कोड की वैलिडेशन भी आती है। जहाँ अभी जो लाइब्रेरी का मैं जिक्र कर रहा था उसमें जैसे जियो कोडिंग आप लाइब्रेरी हिट करेंगे या API हिट करेंगे गूगल की, तो किसी जिप कोड में दो सिटीज़ लगते होंगे तो दोनों भेजेगा, तो आपको कौन सा वाला उसमें से लगाना है यू डोंट नो। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जी अगर मिसाल के तौर पे पहले किसी ने आके सिटी का नाम लिख दिया और जिप कोड बाद में लिखने जा रहा है, तो हमें पता है कि जी सिटी वाली जो फील्ड है वो पहले से फिल हुई भी है। तो आप क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे ना, यहाँ पे हमने बगैर कोई कंडीशन चेक किए इसमें वैल्यू रखवा दी है सिटी नेम में, तो यहाँ पे अब एक इफ़ लगाओगे कि जी इफ़ सिटी नेम इज़ अनडिफाइंड, सिटी नेम में कोई बात तो नहीं लिखी हुई अगर, तो फिर आप ये रखवाओगे, अदरवाइज आप नहीं रखवाओगे। सिटी में पहले ही कुछ लिख दिया अगर किसी ने तो आप नहीं रखवाओगे। वेल, पॉइंट ये कि ये ऑप्शन मौजूद है, ज़रूरी नहीं है कि आप ये हमेशा ये करो, हो सकता है आपकी सिचुएशन कुछ और हो डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप कंडीशनली काम करवाओगे कि जी रखना है कि क्या करना है, चेंज करना है कि नहीं करना है। कुछ जगहों पर अगर मैंडेटरी हो गई जी नहीं, अब मिसाल के तौर पर सिटी का नाम और जो है ना ये जिप कोड आपस में कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए, लाजमी होने चाहिए, तो वो फॉर्म की सबमिशन पे वो मैं चेक करूँगा। फिर फॉर्म की सबमिशन पे मैं सिटी का नाम उठाऊँगा, कोऑर्डिनेट उठाऊँगा, गूगल को भेजूँगा या किसी भी वैलिडेशन वाली API को कि जी ये दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नहीं करेंगे मैं रेड कर दूँगा, मैं बोलूँगा भाई ये तो मैच ही नहीं कर रहे। ये अक्सर Apple ID जब बना रहे होते हैं तो उसमें जिप कोड वो मैच करवाता है, कहता नहीं जो जिस स्टेट
पूछता है और साथ में जिप कोड पूछता है, तो वो जिप कोड उसी स्टेट का होना चाहिए, किसी और स्टेट से अगर वो होता है ना तो फिर वो उसको नहीं आगे नहीं जाने देता। एप्पल आईडी में ये अक्सर मैंने फेस किया है। फिर हम क्या करते हैं, हम जल्दी से गूगल करते हैं जाके कि ओहायो का क्या लगता है, तो वो फिर वो वाला जिप कोड लगा देते हैं रैंडमली, फिर चल पड़ता है। अच्छा जी, अब ये आप देखें, बहुत इसने ज़बरदस्त ये चैप्टर बनाया है, चैप्टर नंबर 51 है ना, आई अप्रिशिएट कि इसने बड़ा अच्छा इसके अंदर कंटेंट लिखा है ना चैप्टर 51 के अंदर। तो वैसे ये बुक पूरी अच्छी है, लेकिन ये चैप्टर स्पेसिफिकली ना बड़ा अच्छा है, इसने ये अंदाज़े बयान बड़ा अच्छा है इसके अंदर। अच्छा, रीडिंग एंड सेटिंग पैराग्राफ टेक्स्ट कि जी, एक तो आपका इनपुट फील्ड थी ना उसमें बंदा लिखता था आके, आपने उस वैल्यू को उठा लिया, वापस रखवाना भी सीख लिया। अब एक ऐसा एलिमेंट जैसा कि पैराग्राफ, जैसा कि डिव, जैसा कि कोई स्पैन, उसके अंदर मौजूद टेक्स्ट को उठाना है कैसे और उसको वापस चेंज करके अगर रखवाना है तो वो कैसे करना है, ये दो बातें यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं। और बड़ी अच्छी एग्जांपल ये लेकर आए हैं कि जी, योर वेब पेज इनिशियली डिस्प्ले अ पिक्चर ऑफ अ टाइटल अलॉन्ग विद द सिंगल सेंटेंस। अब जी, एक पिक्चर है और उसके साथ जैसे फेसबुक पे पोस्ट होती है, वो उसमें क्या होता है कि जी, वो आपकी पोस्ट में अगर टेक्स्ट ज़्यादा होता है ना तो वो शुरू के दो लाइन या तीन लाइन शो करता है, उसके आगे वो शो मोर लगा के ना ख़त्म कर देता है बात, और उसके नीचे फ़ोटो लगा देता है वो। अच्छा, फिर आप क्या करते हैं, सी मोर या शो मोर पे क्लिक करते हैं तो वो पूरा का एक्सपेंड करता है। तो इस चीज़ को, इस फिनोमेना को एज ए एग्जांपल इसने यहाँ पे इस्तेमाल किया। अच्छा, फिर उसने कहा कि भाई, व्हेन यू क्लिक द लिंक टू सी मोर, तो वो पैराग्राफ एक्सटेंड होकर बड़ा हो जाता है, पहले छोटा था अब बड़ा हो गया ये। अच्छा, अब ये कह रहा है, ये मार्कअप इसका किस किस तरह लिखा हुआ है, ये है मार्कअप। एक पैराग्राफ है जिसकी आईडी है शो लॉरिस, स्लो लॉरिस, ये स्टोरी का नाम है स्लो लॉरिस। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ की जो दो लाइनें हैं ना, शुरू की जो दो लाइनें हैं वो लिखी हुई है, और ये देखो, ये पैराग्राफ, ये यहाँ तक ये पूरी लाइन लिखी हुई है, ये पूरी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद है एक अदद एंकर टैग लिंक जिसका होता है, और वो यहाँ तक है एंकर टैग। इस एंकर टैग में अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि जी, क्लिक फॉर मोर, या सी मोर या शो मोर हम कह सकते हैं। और इस पे एचरेफ में लगा हुआ है जावास्क्रिप्ट वॉइड ज़ीरो। अब ये जावास्क्रिप्ट वॉइड ज़ीरो एक ख़ास प्लेस होल्डर है जो हम क्या करते हैं, एचरेफ में लगा देते हैं जब इसके क्लिक पे हमें कहीं मूव नहीं करना होता। ठीक है, अगर इस पर हैश लगाते हैं तो भी मूव नहीं करता, लेकिन वो पहली दफ़ा हम पेज रिफ्रेश करता है, तो ये प्लेस होल्डर है, आप समझ लें उसको, जो इधर लगाते हैं। अगर हमें एंकर टैग के क्लिक पे कोई एक्शन नहीं करवाना, किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं करवाना, और ख़ास तौर पे वो जो मूव होने वाला एक्शन है, अदरवाइज़ अगर हम एचरेफ को खाली भी छोड़ें ना तो क्लिक करने से पेज रिफ्रेश होता है। हैश लगा देंगे तो भी पहली दफ़ा क्लिक पे पेज रिफ्रेश होगा, उसके बाद नहीं होगा, पहली दफ़ा पे हो जाएगा फिर भी। तो ये एक प्लेस होल्डर है, ये आपने लगाना होता है, क्योंकि इस एंकर टैग के क्लिक पे ये किसी दूसरे पेज पे नहीं ले जा रहा, वही पैराग्राफ एक्सपेंड होता है। या मे बी आप इस पे एचरेफ ना लगाएं, कोई दूसरा एलिमेंट भी आप इस पे लगा सकते हैं। ठीक है, एचरेफ, ये जो एंकर टैग लगाने का मकसद ये है कि ये सिमेंटिक डिटेल है, कि जब SEO वगैरह क्या कहते हैं, वो जो क्रॉलर जब आपकी वेबसाइट पर आता है उसको पता चले कि अच्छा जी, ये क्लिकेबल है। इसको डिव भी कर सकते थे कि शो मोर को डिव बना दें और कलर ब्लू कर दें, बट देन इट वुड नॉट बी डिटेक्टेबल बाई क्रॉलर्स कि ये जी लिंक है या क्या है, बटन है ये, तो वो क्योंकि वो क्रॉलर आके हर बटन को दबाता है, हर बटन को क्लिक मार के वो पीछे का देखता है कि क्या है उसके, तो इसलिए फॉर दिस वेरी रीज़न इसको इन्होंने एंकर टैग बनाया है फॉर द सिमेंटिक डिटेल्स। ऑन क्लिक के ऊपर इसने एक फंक्शन चलवाया है। अब ऑन क्लिक पे जो फंक्शन जो चलता है, उस फंक्शन में करना क्या है, उस फंक्शन में हमें करना ये है कि जो एक लाइन शो हो रहा है ना इसका, रिमेनिंग टेक्स्ट जो है वो भी शो कराना है। तो हाउ इट वुड बी डन, इसको हम ये ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास जो फुल स्टोरी है वो एक वेरिएबल में सेव हो गई पहले से, वो उठा के मैं इस पैराग्राफ के अंदर जो भी पहले का टेक्स्ट है उसको रिमूव करूं और वो उठा के पूरा डालूं। तो दिस इज हाउ, नहीं अगर मेरे पास पूरी स्टोरी है तो फिर तो मैं पूरी उठा के रखूँगा ना, मतलब जब मैं उठा के पूरी स्टोरी इसमें रखूँगा तो पुराना खुद ही ख़त्म हो जाएगा। वेरिएबल वाला हिसाब है कि एक वेरिएबल में मैंने उठा के जब
पूरे का पूरा टेक्स्ट उठा के उसमें रखा ना, तो पहले जो भी होता है वो खुद ही ख़त्म हो जाता है, तो दिस इज़ हाउ इट विल बी वर्किंग, वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा, हमें उसको एक्चुअल में रिमूव नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक वेरिएबल में पूरी की पूरी स्टोरी सेव होनी चाहिए कहीं, वो उठाऊंगा मैं इसके इनर HTML में डाल दूंगा या इनर टेक्स्ट में डाल दूंगा लाके। हाँ, तो इस तरह से ये कुछ चल रहा होगा। ठीक है, स्पेस बचाने के लिए, हाँ यूज़र एक्सपीरियंस के लिए किया जाता है मेनली। तो ये कि जब फेसबुक में ना किसी बंदे ने भाई पोस्ट लिखी है, अब वो बहुत ही लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है, लिंक्डइन पे आमतौर पे आपको ये देखने को मिलता होगा, जैसे अगर मैं लिंक्डइन पे जाऊँ ना, तो आप देखेंगे कि लोगों ने बड़ी लंबी पोस्ट की हुई होती है, लेकिन वो पूरा पहली स्क्रीन पे नहीं दिखाता। अब आप देखें, ये पहली ही पोस्ट मेरे पास जो आई है, इसमें देखें आप, सी मोर करता हूँ तो ये इतना कुछ आता है। तो कम जगह में ज़्यादा पोस्ट ज़ाहिर है दिखानी होती है हमें। अब देखें माइक्रोसॉफ्ट वाले ना, इन्होंने प्रॉपर काम किया, इन्होंने टेक्स्ट नॉर्मल लिखा है जिसमें वो सी मोर का बटन नहीं आ रहा। ठीक है, आप देखें ये कोई दूसरा बंदा है, इसने पोस्ट की है, अब ये सी मोर किया मैंने तो ये मज़ीद टेक्स्ट आ गया। कुछ अभी बहुत लंबी चौड़ी वाली पोस्ट नहीं मिली अभी तक, लेकिन कुछ पोस्ट आप देखेंगे बहुत ही लंबी चौड़ी होती है, जैसे ये वाली आई होप बहुत लंबी होगी, ये देख लो। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर मैं दिखाना शुरू कर दूं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है ये। ठीक है, अच्छा इसमें इन्होंने वो वाला बटन नहीं बनाया, हाइड सी लेस्क वाला बटन नहीं बनाया इसके अंदर, सी लेस वाला भी देखो। जितने ये बड़ी कंपनीज है ना, इनकी जो प्रोमोटेड है ये, इसमें इन्होंने टैक्स लिखा ही इतना है कि वो उसमें सी मोर का बटन आएगा ही नहीं। ठीक है, ये भी टेक्स्ट लंबा होगा होपफुली, क्योंकि नीचे इसने लिखा हुआ है, ये 8 पेजेस की स्लाइड है, ये देखें लंबी बात लिखी है। तो इस चीज़ को ना मैनेज करने के लिए, हाँ सही कहा आपने, स्पेस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। अब देखें इन्होंने क्या किया, एक्सपेंड लॉरिस के अंदर ना एक वेरिएबल में इनके पास पूरी फुल स्टोरी मौजूद थी। इन्होंने कहा भाई गेट एलिमेंट बाई ID स्लो लॉरिस डॉट इनर HTML में बड़ा वाला पूरा टेक्स्ट उठा के आप डाल दो, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ में एडिशनल मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आम तौर पे ना रियल एप्लीकेशन में सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि जी पेज लोड होता है, शुरू जो लेटेस्ट 20 पोस्ट जो रिसेंटली की गई है, मोस्ट रिसेंट, वो उठ के मेरे पास आ जाती है डेटाबेस से। अब हर पोस्ट के अंदर जो है वो टेक्स्ट किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है ना, किसी में कम और किसी में ज़्यादा है। अब इसमें मुझे ये वाला फीचर इम्प्लीमेंट करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा कि हर पोस्ट में जो टेक्स्ट है, स्प्लाइस हमें पता है ना, स्लाइस भी पता है, स्प्लाइस भी पता है, मैं स्लाइस करके उसके शुरू का 150 कैरेक्टर उठाऊँगा और 150 कैरेक्टर उठा के उसको डिस्प्ले कराऊँगा। ठीक है, बाकी को हटा दो, मैं हटाऊँगा नहीं, मतलब वो पूरा डेटा मेरे पास रहेगा वेरिएबल में, जो वेरिएबल से, जो इंटरनेट से, जो API कॉल से जो उठकर आया डेटा, वो मेरे पास वेरिएबल में मौजूद है। जब तक मैं पेज रिफ्रेश नहीं करता, पेज रिफ्रेश होगा फिर आ जाएगा वो डेटा, तो वो मेरे पास एक्चुअल डेटा जो इंटरनेट से आया ना API कॉल के नतीजे में, वो मौजूद है मेरे पास, बट मैंने डिस्प्ले पूरा नहीं करवाया। डिस्प्ले मैंने करवाया है स्लाइस करके, 150 कैरेक्टर मैंने डिस्प्ले करवा दिया और साथ में ये शो मोर वाला बटन दबा दिया। अब वो शो मोर वाला बटन जब प्रेस करेगा ना कोई, तो फिर मैं क्या करूँगा, उसी डेटा में से उठा के बाकी का उसमें टेक्स्ट डिस्प्ले करवाऊँगा। तो ये रियल सिनेरियो में ये इस तरह होगा। इन्होंने तो पहले से वेरिएबल में एक ही रखा हुआ है, लेकिन जाहिर है हमारे पास एक वेरिएबल नहीं होगा, हमारे पास होगा जाहिर है पूरा एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और एरे के हर इंडेक्स में एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें टेक्स्ट और पोस्ट का टेक्स्ट, पोस्ट की डेट, पोस्ट के लाइक्स, पोस्ट के कॉमेंट्स, पोस्ट की फ़ोटो का URL, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट होगा हर हर एरे के इंडेक्स में। ठीक है, तो somehow मुझे क्या करना होगा, डिटेक्ट करना होगा कि ये कौन से वाले में से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं आमतौर पर, कि जो उस एलिमेंट की जो ID होती है ना, वो हम पोस्ट की ID से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो हम जब ID उठाते हैं तो हमें पता होता है कि ये कौन से पोस्ट की है, क्योंकि पोस्ट की ID और एलिमेंट की ID हम सेम कर देते हैं। तो इस तरह की कोई ना कोई हमें चीज़ करनी होती है जिससे हम ये डिटेक्ट करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम ये करेंगे, हम रिएक्ट की जब एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें ये चीज़ें काफ़ी निस्बतन काफ़ी आसान है, प्लेन JavaScript के नस्बत उसमें चीज़ें काफ़ी मुख्तलिफ हैं और निस्बतन आसान हैं, ख़ास तौर पर बड़ी एप्लीकेशंस को बनाने के लिए वो काफ़ी अच्छा रहता है अगर हम किसी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हों। तो जी इन्होंने बड़ा अच्छा किया, इसको आप हाथ से करके ज़रूर देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है और बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, बड़ी रेलिवेंट एग्जाम्पल है इस चीज़ को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए। आई अप्रिशिएट, बड़ा अच्छा इन्होंने ये काम किया। अच्छा,
अब आप देखें जी, इन्होंने दूसरा ये काम क्या किया है यहाँ पे, ऑलमोस्ट एनी थिंग इंक्लूडिंग एच टी एम एल टैग्स कैन बी इंसर्टेड इन टू अ वेब पेज दिस वे. ये जो डॉट इनर एच टी एम एल करके ना यहाँ पे, ये मैंने बड़ा वाला पैराग्राफ जो इसमें रखा है, कह रहा है कि इस तरह करके किसी भी एच टी एम एल के एलिमेंट के अंदर ना आप कुछ रखवा सकते हैं. ठीक है, क्या रखवा सकते हैं जी? फॉर एग्जाम्पल, यू कैन मेक दिस लिस्ट अपेयर ऑन द पेज विद इन से अ डिव आई डी ऑफ लॉरेंस लिस्ट, और उसके अंदर ये ऐसे करके बात लिखी हुई हो. इसने कहा कि भाई आपके पास एक डिव है जिसमें अभी कुछ भी नहीं है, या जिसमें है कुछ मिसाल के तौर पे पहले से. उस डिव के अंदर जब पेज लोड होता है तो उस डिव में कुछ नहीं होता, लेकिन आप एक बटन के क्लिक पे आप क्या कर सकते हैं, उस डिव के अंदर एक लिस्ट अपेयर करवा सकते हैं. कैसे करवा सकते हैं? आप कहेंगे कि जी ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी लॉरिस लिस्ट, एक इसने इमेजनरी डिव का नाम रखा है, डॉट इनर एच टी एम एल. इनर एच टी एम एल के अंदर इसने देखो चीज़ क्या डाली है, इनर एच टी एम एल के अंदर इसने एक डाला है स्ट्रिंग, लेकिन वो स्ट्रिंग, दैट स्ट्रिंग इज अ वैलिड एच टी एम एल. तो ये बजाय एज अ टेक्स्ट शो होने के, ये एज अ एच टी एम एल बिहेव करेगा और एज अ एच टी एम एल इसमें शो हो गई है. ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल हम ज़रा जल्दी से करके देख लेते हैं. क्या इसका नाम रखा था उन्होंने चैप्टर का, रीडिंग पैराग्राफ. अब जी यहां पे ना इसने एक पैराग्राफ बनाया मिसाल के तौर पे, तो मैंने कहा कि ये H2 पोस्ट टाइटल, राइट? यार जरा खामोशी से देख लो इधर क्या हो रहा है. अच्छा, यहीं से मैं एक पैराग्राफ उठा लेता हूं, इन्हीं का ही बल्कि उठा लेता हूं मैं पैराग्राफ. ये मेरे पास एक अदद पैराग्राफ है, राइट? बट मुझे शुरू में ये पैराग्राफ पूरा नहीं दिखाना है. सही है, मुझे ये पैराग्राफ कितना दिखाना है, आधा दिखाना है मुझे. ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ, इसको आधा यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ. ठीक है, और डॉट 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 लगा देता हूँ इसके आगे. सही है, और साथ में क्या लगा देता हूँ मैं, एंकर टैग लगा देता हूँ. सही है, जावास्क्रिप्ट वॉइड जीरो. एक मिनट, बुक मुझे चाहिए इधर. सही है, वॉइड ज़ीरो, और साथ में इसने सेमी कॉलन भी लगा दिया यहाँ पे. अच्छा, अब मैं क्या लगाता हूँ, मैं कह देता हूँ कि जी सी मोर, और साथ में मैं कहता हूँ ऑन क्लिक पे इसके लगा दो सी मोर का एक फंक्शन बना दिया मैंने. अब मैंने कह दिया कि जी फुल, अभी कर देता हूँ फुल पैराग्राफ में, मैंने ये फुल पैराग्राफ जो है ना यहाँ पे लगा दिया. कौन सा क्लोज नहीं किया मैंने ये, हाँ ठीक है, फुल पैराग्राफ को मैंने ना यहाँ पे लगा दिया. अब मैं क्या करूँगा जी कि सी मोर के ऊपर ना, सी मोर का जो फंक्शन मेरा चलेगा, अच्छा लेट सी मोर करके मैं इसको नहीं लगा सकता क्योंकि हमने टाइप क्या करना है, मॉड्यूल रखना है. तो इसको मैं करूँगा विंडो डॉट सी मोर पर मैं कहता हूँ कि जी आप क्या करो, इस पैराग्राफ का जो था ना आईडी था, पोस्ट टेक्स्ट को उठाओ, एरो फंक्शन बोलते हैं,
लैम्डा फंक्शन, पोस्ट टेक्स्ट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू फुल पैरा, ठीक है जी। तो शुरू में ये आ रहा होगा ऐसे करके, और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो वो फुल पैराग्राफ वहाँ पे शो हो जाएगा। इसको चला के देखते हैं जी कैसे दिखता है ये, ठीक है जी। कुछ इस तरह से ये चलता है, और जैसे ही मैं सी मोर पे क्लिक करता हूँ तो ये पेज रिफ्रेश क्यों हो गया इसका, ये मैंने जावा स्क्रिप्ट की स्पेलिंग गलत लिख दी है क्या? हाँ, जावा के स्क्रिप्ट के बाद कॉलन था, मैंने क्या लगा दिया था, मैंने डॉट लगा दिया था, ठीक है जी। सी मोर, वाई सी मोर पे कुछ हुआ क्यों नहीं, सॉरी। हाँ, इनर एचटीएमएल भी तो लगाया मैंने, वो तो मैंने वैल्यूज़ का लगा दिया था, इनपुट फील्ड वाला आइटम लगा दिया था मैंने, सी मोर किया ये शो हो गया, सही है। रिफ्रेश करता हूँ, सी मोर करता हूँ, शो हो जाता है। अब सी लेस कैसे लगेगा कौन मुझे बताएगा? अब मुझे पहले तो ये ऐसा एक एंकर टैग बनाना होगा, कॉपी सी मोर है ना, इसका सी लेस बनाना होगा, और इस सी लेस को मैं कहाँ लगाऊंगा? इसको मैं पहले तो वेरिएबल में स्टोर करा लूँगा ना, सी लेस, सी लेस लिंक, ठीक है, लिंक है क्योंकि ये एक्चुअली ये सी लेस का लिंक मैंने बना लिया है, बना के रख लिया, सही है। अच्छा, सी मोर को भी मैं क्या करता हूँ, इसको भी एज अ लिंक मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ ना, ठीक है। कॉपी, मैंने कहा जी के सी मोर लिंक, सही है, ये सी मोर का लिंक आ गया। अच्छा, एक को सी लेस भी तो करना पड़ेगा ना, सही है, एक को मैंने यहाँ पे सी लेस कर दिया। तो अब क्या होगा जी कि जब मैं फुल पैरा को जब मैं इसमें डालूंगा तो साथ में मुझे वो सी लेस का एलिमेंट भी डालना पड़ेगा, जब ही तो सी लेस दिखेगा ना फुल पैरा डिस्प्ले होने पे। तो पहले तो इतना काम करते हैं, मैंने कहा कि सी लेस प्लस करा के ना इसके साथ मैं सी लेस भी लगा देता हूँ, है ना। अच्छा, इस प्लस करवाने में मुझे एक स्पेस भी देना पड़ेगा, वरना वो बिल्कुल चपका हुआ आ जाएगा। अब आते हैं जी, हम रिफ्रेश करते हैं इसको, सी मोर करते ही ना ये सी लेस का बटन अब शो हो रहा है। अब इसके क्लिक पे क्या काम करवाना है अब हम देखेंगे वो, सही है। सी लेस का एक फंक्शन बनेगा अलग से भाई, विंडो डॉट सी लेस। अब सी लेस पे कितना पार्ट दिखाना है, इसी फुल पैरा का मुझे 150 कैरेक्टर दिखाना है ना, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं बोलूँगा कि जी फुल पैरा डॉट स्लाइस और 0.150, है ना, ऐसे ही होता है, या कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें, सब लोगों को स्लाइस का आइडिया है कैसे होता है। मैंने कहा 0 से लेकर 150 तक काटो। अच्छा, उसके बाद क्या करो, उसके बाद प्लस लगाओ, 3 डॉट लगाओ, है ना, उसके बाद स्पेस दो एक, और उसके बाद क्या लगा दो, सी लेस का लिंक लगा दो उसके बाद, हाँ सी मोर का बल्कि, सही है। रिफ्रेश किया मैंने, सी मोर सी लेस, सी मोर सी। अच्छा, 150 कैरेक्टर थोड़ा यहाँ तक मैंने पहले डिस्प्ले किया हुआ ओरिजिनली, तो 150 कैरेक्टर थोड़ा उससे ज़्यादा बनता है, ठीक है। वेल, इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि अभी तो हमारे पास पैराग्राफ इंटरनेट से नहीं आ रहा ना, API कॉल से नहीं आ रहा। अदरवाइज असूलन क्या होगा, असूलन ये होगा कि ये इस तरह ये पैराग्राफ खाली होगा शुरू में, इसको मैं बल्कि वैसे ही कर देता हूँ, API कॉल वाले अंदाज में इसको मैं कर देता हूँ। तो पेज के ऑन लोड के ऊपर ना, आपका यहाँ पे ऑन लोड पे कोई API कॉल करूँगा मैं, ठीक है, लोड फंक्शन, सिर्फ लोड ही लगा देता हूँ। अच्छा, फंक्शन में एक चीज़ और याद रखना, ये जावास्क्रिप्ट की बुक में कहीं पे आपको नज़र नहीं आएगा लिखा हुआ, फंक्शन हमेशा ना 2 वर्ड का बनाओ कम से कम, सही है। सिंगल वर्ड का फंक्शन मत बनाना, सिंगल वर्ड का फंक्शन क्या करता है वो, क्योंकि सिस्टम की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे वो, मिसाल के तौर पे आप नेम के नाम से फंक्शन बनाओगे ना, गड़बड़ करेगा वो बिला वजह, मतलब पता नहीं क्यों ऐसे ही। तो कोशिश करा करो कि फंक्शन खास तौर पे हमेशा आपने कौन सा बनाना है, एक से ज़्यादा वर्ड का बनाना है,
हाँ चला दो। तो मैंने लोड पेज इसका नाम रख दिया फौरी तौर पे, ठीक है जी। तो लोड पेज का जो फंक्शन है ना, वो पोस्ट के टेक्स्ट पे क्या करेगा? क्या चला दिया भाई ये? अच्छा भाई, लोड पेज का फंक्शन मैंने बना दिया, इस पर क्या कोड लिखा जाए? लोड पेज का फंक्शन मैंने बना दिया, शुरू में तो उसको खाली रख दिया ना मैंने, अब शुरू में पैराग्राफ में कुछ भी नहीं होगा, खाली होगा। अब मैंने बनाया एक फंक्शन लोड पेज, जो कि पेज लोड होते ही चलेगा, इसमें क्या लिखा जाए अब? इनर HTML, हाँ, फुल पैरा डॉट स्लाइस 0,150, 150 कैरेक्टर दिखाना है मुझे, 150 कैरेक्टर और प्लस सी मोर दिखाना है, सही है। अच्छा अब गौर करो कि ये वाला जो कोड है मेरा और ये नीचे वाला जो कोड है, ये तो सेम हो गया भाई। ये जो मेरा कोड है, इसमें मैंने तीन डॉट भी तो लगाना है ना फिर, क्योंकि वो ख़त्म थोड़ी हुआ है वहाँ पे, तीन डॉट लगा दिया। तो अब आप देखो, नीचे वाला लिंक, ये वाला कोड पूरा का पूरा और ऊपर वाला कोड, ये तो सेम हो गया। ये देखो ना, पूरा सेम हो गया ये कोड। हाँ यार, ये शुरू से सेम है, फिर ये जाके आगे चेंज कैसे होता है? इसमें क्या अलग है दोनों में? कुछ भी अलग नहीं है। वो भी तो सेम है, तीन डॉट भी तो। अबे अब सही आ रहा है, पहले मैं यूं सेलेक्ट कर रहा था फिर नहीं आ रहा था। अच्छा अब सही है। वेल, तो ये लोड पेज और ये सी लेस जो है, ये असल में एक ही फंक्शन है। तो मैं क्या करूँगा, ये लोड पेज को हटा के यहाँ पे सी लेस लगा दूँगा, है ना? सी लेस लगा दिया मैंने यहाँ। तो अब जब मेरा पेज लोड होगा, रिफ्रेश किया मैंने, तो शुरू में मेरा क्या होगा? पैराग्राफ बिल्कुल खाली होगा और उसके बाद ये पैराग्राफ शो होगा, उसके बाद मैं शो मोर शो लेस करूँगा तो ये सही चलेगा, ठीक है जी। तो ये एक हमने फंक्शनैलिटी बिल्डअप कर ली यहाँ पर। दूसरी फंक्शनैलिटी जो इसने यहाँ पे जिक्र की है, वो कौन सी थी? वो जी के किसी भी एलिमेंट में आप कुछ भी रखवा सकते हो, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पे बना हुआ है ना कुछ, इसमें थोड़ा BR देता हूँ मैं, 4-5 स्पेस देता हूँ, और मैं यहाँ पे मैं बटन बना देता हूँ रिवील फोटो के नाम से, है ना? रिवील फोटो के नाम से मैं एक बटन बना देता हूँ। अच्छा, और इसके नीचे मैं क्या कर देता हूँ, एक डिव बना देता हूँ, जो कि डिव शुरू में खाली है। वैसे तो रिवील फ़ोटो में मैं डायरेक्ट इमेज लगा के उसको CSS के ज़रिए हाइड कर दूँ, बटन के क्लिक पे उसको मैं डिस्प्ले करा दूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, डिव को खाली रख रहा हूँ मैं। मैंने डिव को ID दे दी IMG के नाम से। अब देखें जी, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ ना, या तो रिवील फ़ोटो का यहाँ पर बटन एक आ रहा है और इसके नीचे एक डिव है जो कि मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो खाली है इसलिए वो मुझे नज़र नहीं आ रही है। अब मैंने क्या करना है, इस बटन के क्लिक के ऊपर, ऑन क्लिक के ऊपर मैंने रिवील का एक फंक्शन बनाया, ठीक है, रिवील फोटो। रिवील फोटो मैंने बना दिया, और इस रिवील फोटो में अब मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्या नाम था, IMG नाम है इसका। मैंने कहा भाई IMG में डॉट इनर HTML आप क्या रखवा दो, डॉट इनर HTML में मैंने कहा कि आप रखवा दो एक अदद IMG, इमेज का पूरा पूरा टैग रखवाना चाह रहा हूँ मैं, SRC इक्वल्स टू कुछ, यहाँ पे SRC देता हूँ मैं, अल्टरनेट का कुछ टैग दे देता हूँ मैं, सही है। और इस SRC को मैंने कहा कि जी डॉट स्लैश, इसमें ज़रा देखते हैं कोई इमेज है हमारे पास क्या,
स्टार के नाम से एक इमेज हमने पिछले क्लास में रखा था ना, तो हम इसी को ज़रा इधर ही कॉपी करके लेके आ जाता हूँ मैं। तो मैंने कहा कि जी स्लैश img स्लैश स्टार डॉट जिफ, तो मैंने कहा जी स्लैश img स्लैश स्टार डॉट जिफ, ये इसमें मैंने रखवा दिया। ठीक है, तो होता क्या है जी कि ये बटन के क्लिक होने पे इस डिव के इनर html में मैं क्या रखवा देता हूँ, एक पूरा मैं मतलब वो एक्चुअली होगा क्या, वो एक्चुअली होगा इस तरह से कुछ कि वो ये पूरा आइटम यहाँ से उठेगा यूँ और इधर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, शुरू में ये खाली है, ये आइटम मैं इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट के थ्रू इसमें इंजेक्ट कर रहा हूँ मैं। अगर ये एलिमेंट जो उठकर यहाँ आया है, अगर ये वैलिड html हुआ तो ये चल जाएगा, अगर इनवैलिड html हुआ तो जैसा कि इनवैलिड html में यहाँ लिखता तो जो बिहेवियर होता है वैसे भी वही होगा। मिसाल के तौर पे इस img के अंदर अगर g में मिस कर दूँ तो इसका क्या बिहेवियर होगा, काम नहीं करेगा। सही है, तो वो अगर वहाँ से भी मैंने कोई मिस स्पेल करके भेजा ना तो सेम बिहेवियर है। ठीक है, वो काम नहीं करेगा। अगर एरर आने का सीन होगा तो एरर आ जाएगा। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि इसमें आप गलती करो वो नज़र ही नहीं आते, तो वो वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स जस्ट लाइक कि मैं वो पूरा का पूरा उठा के ना इनर html यानी इसके अंदर एज अ html उसको मैं पुट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ और रिवील फ़ोटो दबाता हूँ, ये फ़ोटो रिवील हो जाती है। ठीक है, अच्छा दोबारा मैं उसको क्लिक करूँगा रिवील फ़ोटो के ऊपर तो क्या हो उससे भाई। अच्छा ये क्या हो रहा है यार, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये टॉप पे क्यों चला जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है, पेज रिफ्रेश तो नहीं हो रहा मेरा, नहीं रिफ्रेश तो नहीं हो रहा। वेल होगा कोई रीज़न। तो हमने ये देखा जी कि ना इस तरह करके हम बुक में इन्होंने क्या किया था, बुक में इन्होंने एक डिव के अंदर एक लिस्ट अपेंड करवाई थी। हमने क्या किया, एक डिव के अंदर एक इमेज रखवा दी, तो किसी भी एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट रखवाया जा सकता है। अच्छा शर्त ये है लेकिन कि भाई जैसे डिव है ना, डिव के चाइल्ड होते हैं तभी उसमें डॉट इनर html लगा पा रहा हूँ मैं। जैसे इमेज है, अब इमेज का कोई चाइल्ड नहीं होता भाई, इमेज के अंदर डॉट इनर html नहीं लगा सकते आप। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो br है, br का कोई चाइल्ड नहीं होता, तो br आपने उठा भी लिया तो उस पर इनर html कॉल नहीं कर सकते आप। हाँ डिव के अंदर मैं br कॉल कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं बोलूँगी जी आपने इमेज रखी है ना, चलो आप एक काम करो एक br लगाओ इसमें ऐसे ही हूँ। सही है, एक br लगाओ ऐसे, और उसके बाद क्या करो एक अदद h1 भी रखवा दो यहाँ पे। सही है, एक br लगा के मैंने एक h1 भी रखवा दिया तो वो ये उसको भी पकड़ देगा, इसके लिए कौन सा मसला है। रिवील फ़ोटो किया मैंने, आप देखें नीचे ये इमेज इज हेयर भी लिखा हुआ आ गया और br भी आ गया। सही है, तो मैं किसी भी एलिमेंट के अंदर कोई भी एलिमेंट रखवा सकता हूँ, शर्त ये है कि वो एलिमेंट चाइल्ड कैरी करता हो। अगर चाइल्ड कैरी नहीं करता तो फिर मसला ख़राब हो जाएगा। यार दोस्तों आपका दोस्त सवाल पूछ रहा है, कोई खामोशी से सुनो क्या पूछ रहा है, ज़ोर से बोलो तुम थोड़ा। अच्छा तुमने सवाल थोड़ा सा गलत पूछ लिया लेकिन मैं सही कर देता हूँ। इसने असल में सवाल ये पूछा है कि अगर किसी डिव में इनर html रखवा पा रहा हूँ मैं तो मैं उसको उठा भी सकता हूँ क्या। इसका जवाब है हाँ। इन्होंने पूछा कि जी एक डिव में अगर एक नाम लिखा हुआ है तो क्या मैं ये कर सकता हूँ कि उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू उठाऊँ और उसको 10 से मल्टीप्लाई करके वापस रखवा दूँ। तो जी ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो एंटर कैसे करेगा, डिव में हाथ से थोड़ी लिखा जा सकता है, वो खुद ही लिखा हुआ होगा पहले से तो उसी को कर सकते हैं। ठीक है, हाथ से लिखने वाला हिसाब किताब टेक्स्ट फील्ड के अंदर है। तो मिसाल के तौर पे ये मैं करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे कि जी यहाँ पे मैं एक और ये बटन बना देता हूँ ना ये वाला, और मैंने कहा कि जी गेट इनर html करके मैंने ये, नहीं यार इसको कुछ और नाम रखता हूँ,
गेट नेम नाम रख देता हूँ इस फंक्शन का मैं, राइट। और गेट नेम नाम रखने के बाद ना ये एक पैरा है, पैराग्राफ है, समझ लो ये डिव हो या पैराग्राफ हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है? मुजम्मिल। तो मुजम्मिल मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया, सही लिखा है मुजम्मिल। अच्छा, अब ये मैंने ना डिव में मुजम्मिल लिखा हुआ है पहले से। अब ये गेट नेम प्रेस करूँगा मैं, तो मैंने क्या करना है, इसी नाम को उठाना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, वापस इसी में रखवाना है। तो ये करके देखते हैं। सवाल ये नहीं था, पूछ लो दोबारा, फिर क्या था सवाल? नहीं तो वो तो सिटी में और वो जिप कोड में तो हो गया ना वो मसला तुम्हारा हल। नहीं, अपने आप फिल हो जाए कैसे, मतलब बंदे का नाम से उसके फादर का नाम कैसे गेट करोगे तुम? देखो फॉर्म पे कोई बात लिखी हुई हो उसको डॉट वैल्यू से उठा लिया तुमने, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब तुमने किसी डिव में रखवाना है, तो डिव में डॉट डॉट इनर एचटीएमएल से रखवा दिया तुमने, दैट्स इट। अब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, तो जब तुम देखो इनपुट फील्ड से उठा लोगे ना, वेरिएबल में आ गया, तो वेरिएबल में स्ट्रिंग जब आ गया तो उसके साथ तुम कुछ भी कर सकते हो, जो भी प्रोसेस करना है वेरिएबल के अंदर वो कर लिया, वेरिएबल के अंदर अब एक स्ट्रिंग तुमने प्रोड्यूस कर लिया, छोटा बड़ा जैसा भी, उस वेरिएबल को अब तुमने वापस किसी डिव में रखवाना है, तो डॉट इनर एचटीएमएल करके वो वेरिएबल दिया गया वो, ठीक है। बीच में प्रोसेस तुम क्या करते हो वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है टोटली। हाँ हाँ हाँ, काम करेगा अभी। नहीं, ये तो अब तुम्हारा मैं सवाल समझाऊँ कि फॉर्म बंदा फिल कर रहा है अगर, तो उससे वैल्यू उठाओगे कैसे? तुम इस पर कन्फ्यूज़ हो, एक तो फॉर्म सबमिट पे पूरा का पूरा आप वैल्यू उठा लोगे, लेकिन आप क्या करोगे जब उस फील्ड पे वो लिख के हटेगा तो ऑन ब्लर पे आप उठा लो वैल्यू जो बुक में किया हुआ है उन्होंने। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उसको उठाने के। आप ये भी कर सकते हो कि जी वो एक एक कैरेक्टर लिखता जाए ना, तो ऑन चेंज का एक इवेंट होता है, उससे भी आप उठा सकते हो, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। तो कई इसके दूसरे इवेंट्स हैं, फिलहाल ऑन ब्लर पे करो, ऑन चेंज को भी एक्सप्लोर कर लेना, ऑन चेंज क्या चीज़ होता है। वेल, अभी मैं ये कर रहा हूँ कि जी एक डिव के अंदर ना एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं क्या करूँगा इस बटन के क्लिक होने पे और जो है ना इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, ठीक है। गेट नेम, ये मैंने पैरा से नेम उठाया, ठीक है, मैंने कहा भाई पैरा डॉट इनर एचटीएमएल। अच्छा, एक चीज़ होती है इनर एचटीएमएल, एक चीज़ होती है इनर टेक्स्ट। अभी फ़िलहाल क्योंकि मुझे इसको टेक्स्ट फॉर्म में उठाना है तो मैं इसको बोलूँगा इनर टेक्स्ट, सही है, इनर टेक्स्ट करके मैंने ये उठा लिया। मैंने कहा जी लेट नेम इक्वल्स टू, बल्कि उसको मैं यूज़र नेम करूँगा, ठीक है, सिर्फ नाम, नेम से वेरिएबल बनाओ तो मसला करता है, ठीक है जी। तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने कहा भाई लेट यूज़र नेम और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर पैरा डॉट इनर टेक्स्ट उठा लिया। अच्छा, इनर एचटीएमएल भी उठाऊँगा तो मिलेगा मुझे, सही है, इनर एचटीएमएल में भी मुझे टेक्स्ट ही मिलेगा, लेकिन समहाउ इसमें हो सकता है कि यहाँ पर कोई छोटा सा एंकर टैग लगाओ, तो इनर एचटीएमएल में मुझे एंकर टैग भी पूरा मिल जाएगा, ठीक है, बट मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए वो। तो एक इनर एचटीएमएल है, एक इनर टेक्स्ट है, फिलहाल के लिए मेरा कोड दोनों पे सेम चलेगा, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने कहा इनर टेक्स्ट करके जो सारा का सारा टेक्स्ट उस डिव का करंटली जो मौजूद है वो उठा के एक वेरिएबल में डाल लिया। वेरिएबल में डालने के बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा जी कि जो है ना आप फॉर लूप चलाओ, सही है, लेट ज़ीरो से स्टार्ट करो और अच्छा लेट आई इक्वल्स टू ज़ीरो ना, और आई जब तक आपका छोटा रहे 9 से, और आई प्लस प्लस करो आप। तो ये 10 दफ़ा ये लूप घुमा दिया मैंने। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैंने कहा कि जी ये यूज़र नेम इक्वल्स टू यूज़र नेम और साथ में लगा दिया प्लस, ताकि पहले से जो चीज़ मौजूद उसको उड़ाए नहीं है, उसको भी रखे साथ में, ठीक है। और साथ में मैं क्या लगा देता हूँ यहाँ बीच में, ज़ाहिर है नेम बिल्कुल जुड़ जुड़ के आ जाएगा, तो मैं इसके साथ स्पेस लगा देता हूँ थोड़ा, बल्कि स्पेस भी नहीं, मैं उसको देता हूँ टेम्पलेट्स देता हूँ इसको मैं,
ठीक है, ये स्ट्रिंग तैयार कर रहा हूँ मैं, ये स्ट्रिंग को मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, और मैं साथ में कहता हूँ कि जी ये br भी दे दो इसको थोड़ा आप, ताकि हर एक नाम एक नई लाइन में अपेयर हो। मैंने कहा जी पहले सबसे पहला ये नाम होगा, उसके बाद एक br होगा, उसके बाद ये दूसरा नाम होगा, ठीक है, और इस तरह ये 10 दफ़ा घूमेगा तो ये 11 नाम प्रोड्यूस कर देगा एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि एक नाम तो इसमें पहले से मौजूद है, तो ये 11 दफ़ा ये नाम लिखा जाएगा। मैं इसको एक दफ़ा कम भी कर सकता हूँ, चलो अब 10 हो जाएगा ये। अब लास्ट में क्या होगा, यही यूज़र नेम जो है वो प्रोसेस हो चुका है और ये एक की जगह 10 में कन्वर्ट हो चुका है, तो मैं कहूँगा कि जी आप ना इसी पैराग्राफ में इसको मैंने वापस रखवाना है। तो मैंने कहा कि जी डॉट, अरे क्या कर दिया मैंने, मैंने कहा कि जी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर पैरा को आप दोबारा से उठाओ और डॉट इनर टेक्स्ट लगा के ये नाम रखवा दो। क्या सही किया है मैंने ये? यस, में इनर एचटीएमएल आएगा, इनर टेक्स्ट आएगा, इनर एचटीएमएल आएगा क्योंकि मैंने एचटीएमएल का टैग इस्तेमाल किया है। अगर मैं इनर टेक्स्ट करूँगा ना तो ये टैग एज इट इज़ अपेयर हो जाएगा, देखो करके दिखा रहा हूँ। अरे रिवील फोटो ही क्यों है अभी तक इसका नाम, इसका नाम मैं रखता हूँ डबल नेम। सही है, डबल नेम पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, बड़े ये क्या हुआ, इसको इनर टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा। सही तो है इनर टेक्स्ट डॉट, ओ क्वेरी सेलेक्टर में हैश नहीं लगाया मैंने, डबल नेम देख रहे हो, br जो है ऐसे ही अपेयर हो गया सीधा सीधा। ओड़े 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 ओड़े, ये क्या मैंने किया, ये मैंने गड़बड़ की है, पता है क्या किया, ये मेरी लॉजिक का मिस्टेक है, लॉजिक का मिस्टेक ये, यूज़र नेम इक्वल्स टू मैं करता हूँ और मैं बोलता हूँ जो भी कुछ यूज़र नेम है वही उसमें वापस डाल दो। अगली दफ़ा तो इस यूज़र नेम में दो नेम है ना, तो मुझे क्या करना होगा, एक नया वेरिएबल बनाना होगा, यहाँ रिजल्ट नेम्स करना होगा मुझे, शुरू में ये एम्प्टी होगा और मैं इसको बोलूँगा कि जी रिजल्ट नेम्स प्लस इक्वल्स टू यूज़र नेम, ठीक है, अदरवाइज वो 10 दफ़ा घूमे और वो 10 का मल्टीपल हो गया, 10 स्क्वायर हो गया वो, ठीक है ना, 100 हो गया वो। अच्छा इसको मैं वापस अब 9 कर दूंगा क्योंकि अब ये 10 दफ़ा घुमाना है मैंने। वेल अबे अब तो चल ही नहीं रहा, क्या हो गया, अच्छा ये नीचे मैंने इसको भी लगाना होगा ना अब तो, ठीक है जी, ये 10 दफ़ा नाम तो आ गया लेकिन ये बी आर एज इट इज़ अपेयर हुआ है, इसको मैंने सही करना है तो इनर टेक्स्ट को हटाना पड़ेगा, इसको मुझे इनर एचटीएमएल करना पड़ेगा ताकि ये बी आर को एज अ एचटीएमएल टैग ट्रीट करे। तो इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल में ये डिफरेंस है, गेट करते हुए भी और सेट करते हुए भी, अगर आप इनर टेक्स्ट को उठाएंगे तो उसका टेक्स्ट वर्जन मिलेगा, टेक्स्ट वर्जन और एचटीएमएल वर्जन में डिफरेंस क्या है, देखो जो चीज़ मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ ना, यूँ कॉपी करता हूँ इधर और इधर आके मैं करता हूँ पेस्ट, तो ये टेक्स्ट वर्जन कॉपी हुआ है, ये एचटीएमएल वर्जन कॉपी नहीं हुआ। देखो लास्ट में क्या है, इसके जो मैंने कॉपी किया उसके लास्ट में क्या है, सी मोर, हालांकि इधर तो ये टैग था, तो ये जब मैं टेक्स्ट वर्जन कॉपी करूँगा तो वो वर्जन आएगा जो ऐसे कॉपी करने से आता है, ठीक है, और एचटीएमएल तो आपको फिर पता ही है कि क्या आएगा, जो उसमें एग्जैक्टली एचटीएमएल लिखा हुआ है वो आएगा। तो हमने देखा कि जी किसी पैराग्राफ में से कोई वैल्यू एज अ टेक्स्ट या एज अ एचटीएमएल रिट्रीव करना, उसको वापस सेट कराना, ठीक है जी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो नहीं है, क्या कॉपी होगी, हाँ ये भी इसने अच्छा सवाल किया, अक्सर वेबसाइट पे ये होता है जी कि वो टेक्स्ट लिखा होता है उसको आप सेलेक्ट करके कॉपी कर लो या बटन दबा के कॉपी कर लो, है ना, उसके लिए क्लिपबोर्ड एपीआई होती है, आप जाके लिखोगे गूगल पे जावास्क्रिप्ट क्लिपबोर्ड एपीआई, ये जी आ गया मेरे पास मोज़िला का डॉक्यूमेंट क्लिपबोर्ड का, नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट रीड टेक्स्ट और ऐसे करके आप ये लगाते हो। सॉरी
फंक्शन अलग अलग नहीं बनाएंगे आप, उसका फंक्शन एक ही होगा लेकिन आईडी के थ्रू उसको आप ट्रीट करेंगे। जब एपीआई से डेटा आता है ना वो एरे की सूरत में आता है और एरे को लूप चला के आप प्रिंट करा देते हैं, तो जब प्रिंट करवा रहे होंगे आप तो उसको आईडी आप देते जाते हैं हर एक को, ताकि जब भी वो सी मोर पे क्लिक हो ना तो आपको एग्जैक्टली पता चले कि कौन से वाले क्लिक मोर पे क्लिक हुआ है, कौन से वाले सी मोर पे। आपके पास तो 100 पोस्ट है ना लाइन से, लेकिन वो उसके साथ एक आईडी आप पास करते हैं, वो इंशाल्लाह जब हम पहुंचेंगे ना वहाँ पे रिएक्ट में जब हम पहुंचेंगे तो डायनेमिक आईडी कैसे देते हैं वो हम देखेंगे। अभी तो आईडी फिक्स करते हैं ना हम, उस वक्त हम देंगे डायनेमिक आईपी आईडी, हर एलिमेंट को एक डायनेमिक आईपी देंगे, आईडी देंगे हम जब हमारे पास इंटरनेट से डेटा आएगा। अभी तो हमारे पास सिचुएशन ये थी कि जी ये एलिमेंट पहले से बना हुआ है, इंटरनेट से डेटा आता है तो हम उस एलिमेंट में पुश करते हैं उसको डेटा को, एलिमेंट क्रिएट नहीं करते हम डायनेमिकली। लेकिन रिएक्ट के अंदर ऐसा नहीं होता है, रिएक्ट के फ्रेमवर्क में ना डॉम के ऊपर हम एलिमेंट डायनेमिकली क्रिएट करते हैं और क्रिएट करते हुए हमारी मर्जी की जो भी आईडी हम उसको दे सकते हैं। वेल, अभी इसको ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल के लिए जितना भी बता दिया है इसमें अगर कोई मज़ीद सवाल है तो वो पूछो, ठीक है। मैं असल में बता इसलिए देता हूँ कि ये हम रिएक्ट में पढ़ेंगे ताकि आप सुकून में आ जाओगे, अच्छा ये पढ़ेंगे हम फ़लाँ टाइम पर जाके पढ़ेंगे, पढ़ा भी सकता हूँ मैं, लेकिन यार वो ओवरवेलमिंग हो जाएगा ना। बहुत सारी ऐसी प्रीरिक्विजिट है जो आपको रिएक्ट पढ़ने के लिए, रिएक्ट को समझने के लिए वो प्रीरिक्विजिट अभी चाहिए, अभी वो पूरा नहीं हुआ आपका। तो अभी से अगर मैं वो बात बताऊँगा ना जो ज़्यादा डिटेल में कि वो एक्चुअल में होगा क्या, तो वो मसला हो जाएगा फिर, ठीक है। तो वो तुम कह रहे थे ना क्लिक करने पर कॉपी कैसे होगा, तो आप ये देखोगे कि जी कॉपी आ टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, ठीक है, हाउ टू कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये आ गया, कॉपी टेक्स्ट का बटन दबाया कॉपी हो गया। इसका कोड यहाँ पे इन्होंने ट्राई इट योरसेल्फ में लिखा हुआ है, ये रहा navigator.clipboard.writeText, और ये आप कोई भी यहाँ पे स्ट्रिंग लिखोगे वो कॉपी हो जाएगा, नेविगेटर की क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो जाएगा, दैट्स इट। हाँ देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जाके लिखा मलिक और मैंने कॉपी का बटन दबाया तो ये कॉपी हो गया। अब मैं कहीं भी जाके पेस्ट करूँगा तो ये, अरे हेलो वर्ल्ड क्यों हुआ कॉपी, मैंने मलिक लिखा तो हेलो वर्ल्ड क्यों कॉपी हुआ, ये क्या बकवास है। कॉपी टेक्स्ट डॉट वैल्यू, कॉपी टेक्स्ट डॉट वैल्यू, नहीं तो मैंने तो चेंज कर दिया ना इसको, मैंने मलिक लिखा, कॉपी टेक्स्ट का बटन दबाऊंगा तो ये फंक्शन चलेगा जो कि कॉपी टेक्स्ट के डब्बे में से अभी की वैल्यू उठाएगा, तो कॉपी टेक्स्ट मलिक हो गया, सही है। अब मैं इधर पेस्ट करता हूँ तो हेलो वर्ल्ड पेस्ट होता है, ये क्या बकवास है। खैर मे बी ये असल में सैंड बॉक्स के अंदर चल रहा है तो मे बी इस वजह से कोई गड़बड़ कर रहा हूँ। वो पूरी डेफिनेशन कॉपी करने के लिए, हाँ गुड यार, अच्छा आइडिया, गुड कि वो पूरी बात आप जहाँ कॉपी करके कहीं पेस्ट कर सकें। तो ये उसका कोड है कि जी नेविगेटर डॉट क्लिप बोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट, और इस राइट टेक्स्ट के ऊपर अगर मैं हाथ से कोई बात लिख दूँ, सही है, मैंने लिख दिया फ़ैन यहाँ पर और इसको मैंने रन कर दिया, तो अब जब भी क्लिक करूँगा ये फ़ैन ही कॉपी होगा, सही है। अब देखते हैं हम, अबे अभी भी हेलो वर्ल्ड हो रहा है, नहीं वो असल में ये सैंड बॉक्स के अंदर चल रहा है इस वजह से शायद ये इशू हो रहा है। हम वो गिटहब में जाके देखते हैं ना कि उन्होंने क्या लगाया हुआ है, लगाया हुआ तो खैर यही होगा, क्या लगाया हुआ होगा। मैं किसी भी रिपोजिटरी के अंदर चला जाता हूँ, लगाया हुआ है ना यहाँ पे, ये बटन है ना इनका, इस पर राइट क्लिक करके ज़रा इंस्पेक्शन करते हैं इसकी क्या किया हुआ है इसके ऊपर।
अच्छा इन्होंने कोई हाइड्रो क्लिक करके कोई चीज़ इस्तेमाल की है, ये सीधे तरीके से काम नहीं किया हो, इस पर कोई ऑन क्लिक वगैरह कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस पर इन्होंने क्या किया। वेल इन्होंने कोई जो है ना मिनिफिकेशन वगैरह की हुई है, इसलिए कोड इनका समझ नहीं आ रहा कि कोड क्या है। वेल क्लिपबोर्ड की एपीआई एक ही है भाई जावास्क्रिप्ट में, वेब एप्लीकेशन जितनी भी बनेगी उसमें वही एपीआई इस्तेमाल होगी, और कोई तरीका नहीं है। अच्छा जी बुक में आ जाते हैं जी हम वापस। अच्छा मैनिपुलेटिंग इमेजेस एंड टेक्स्ट, ये भी हम एक्चुअली कर चुके हैं, ठीक है। इसमें असल में इन्होंने ये बात की है कि जी कोई आप ना इमेज के ऊपर जब क्लिक करते हो तो क्लिक करने पे किसी एलिमेंट को हाइड करना है सीएसएस के ज़रिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक इमेज लगाई हुई है, उसमें ब्लॉब फिश उसके सोर्स में दिया हुआ है। हाँ हमने तो इमेज ही रिप्लेस कर दी थी, तो ये वही काम असल में कर रहा है, सीएसएस चेंज करना बता रहा है कि जी अब ये कह रहा है इमेज पे जब क्लिक हो ना तो मेक इनविजिबल का फंक्शन चलेगा एक, जो कि क्या करेगा इस इमेज के ऊपर एक सीएसएस की प्रॉपर्टी लगाएगा डिस्प्ले नन, क्लिक करते ही इमेज गायब। तो इस तरह की एक चीज़ करने जा रहा है, बहुत आसान सा ही है। हमने लास्ट जो किया था इमेज के साथ वो हमने क्या किया था, ज़रा चल के देख लेते हैं हम इस इमेज को। अच्छा हमने भी सीएसएस की ही प्रॉपर्टी चेंज करवाई थी, जो कर्सर वाला हमने काम किया था, कर्सर के साथ जो घुमा रहे थे हम। हाँ तो अब देखें इन्होंने बहुत ही सिंपल सा ये काम किया है कि एक ना क्लास बना के रख लिए पहले से ही, सीएसएस में एक क्लास बना के रख लिए पहले से ही जिसका नाम रखा है हिडन, डॉट हिडन। सीएसएस की क्लास सबको बनानी आती है। अब क्या किया उसके बाद, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी अगली, सही है गेट एलिमेंट बाय आईडी अगली, मतलब ये इमेज का पूरा एलिमेंट उठाया है, इसका आईडी लगी हुई है इस पर अगली, और इस एलिमेंट के ऊपर डॉट क्लास नेम इक्वल्स टू हिडन कर दिया है, ठीक है क्लास नेम ऐड कर दिया है, एक एट्रीब्यूट असल में ऐड किया है इसने क्लास नेम, ठीक है, और उस पर हिडन लगा दिया, तो वो क्लास उस पर अप्लाई हो गई जिसकी वजह से वो हाइड हो गया। अच्छा डॉट स्टाइल करके भी हो जाता है, इस एलिमेंट के ऊपर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू नन भी कर सकते थे, ये भी तरीका था। अच्छा फिर दूसरी बात, क्लास नेम इक्वल्स टू हिडन करने से पता है क्या होगा, अगर इस पर पहले से कोई क्लास लगी होगी ना वो गायब हो जाएगी और सिर्फ हिडन अप्लाई हो जाएगा। इस केस में तो ये सही है क्योंकि इस केस में वैसे ही हाइड करना है, तो बॉर्डर शॉर्डर अगर कुछ लगा है तो नहीं भी ख़त्म भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। मिसाल के तौर पे इस इमेज पे एक क्लास लगी हुई थी पहले से, जो क्लास इस पे बॉर्डर अप्लाई करने के काम आती थी, है ना, तो इमेज दिखती थी साथ में बॉर्डर दिखता था। अब आपने क्या किया, क्लास नेम इक्वल्स टू कर दिया कोई भी चीज़, क्लास नेम इक्वल्स टू आपने कर दिया कि ओपेक्सिटी हाफ, जिससे उसकी ओपेक्सिटी हाफ हो गई, लेकिन वो जो बॉर्डर वाली क्लास थी ना वो हो जाएगी गायब, क्योंकि आपने इक्वल्स टू करके किया ना तो बॉर्डर वाली क्लास हो जाएगी गायब, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि क्लास नेम ऐड करने के लिए अलग से थोड़ा सा डिफरेंट कोड होता है इससे, अभी मैं वो कोड भूल रहा हूँ, हम जाके जल्दी से गूगल पे ज़रा लिखते हैं, ऐड अ क्लास इन एलिमेंट जावास्क्रिप्ट, ये रहा क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है एलिमेंट के ऊपर डॉट क्लास नेम करके नहीं डॉट क्लास लिस्ट करके ऐड लगाते हैं, और फिर उस पर ये बात लगाएंगे तो उससे क्या होगा, पहले एग्जिस्टिंग क्लास जो है वो भी ख़त्म नहीं होगी और एक नई क्लास ऐड हो जाएगी। अच्छा फिर किसी एक क्लास नेम को रिमूव करना हो तो उसमें भी हम क्या करते हैं, डॉट क्लास लिस्ट और डॉट रिमूव करके उस क्लास का नाम लगाते हैं, तो सिर्फ वही क्लास रिमूव होती है, सारी के सारी क्लास रिमूव नहीं होती है। हाँ बस इस चैप्टर में मेरे ख्याल है और तो कोई ऐसी बात नहीं हुई है, ठीक है। अच्छा इन्होंने भी ये बात डिस्कस की है यहाँ पे कि जी पहले से कोई क्लास हुई तो वो गायब हो जाएगी, इसने कहा जी क्लास नेम इज़ अ स्ट्रिंग, तो आप क्या करो प्लस इक्वल्स टू करके ना स्पेस डाल के ऐसे कर दो, अब तो इससे भी हो जाएगा, तरीका ये भी ठीक है लेकिन क्लास लिस्ट वाला तरीका थोड़ा मोर एलिगेंट है और मोर प्रोग्रामेटिक है। अच्छा स्वैपिंग इमेज भी मोर और लेस वही चीज़ है कि हम SRC उसका चेंज कर देते हैं, उस इमेज का SRC हम चेंज कर देते हैं जी, किसी भी एलिमेंट को पकड़ा, ये आप देखें इमेज है इसके ऊपर आईडी लगी हुई है बिफोर,
तो आपने इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी पकड़ा बिफोर, और बिफोर डॉट एस आर सी करके आपने एक नया सोर्स दे दिया उसको, तो एस आर सी इसका चेंज हो गया, तो इमेज ऐसा लगेगा कि चेंज हो गई, स्वैप हो गई। ठीक है, स्लाइडर वगैरह भी आमतौर पर इसी तरह चलाया जाता है। हाँ, यही काम हमने किया था, माउस आउट जैसे ही होता था तो हम उसको चेंज कर देते थे। ठीक है, तो ये भी काम हमने करके देखा हुआ, इसको करके देख लीजिएगा, मज़ीद कोई सवाल हो तो आप। अच्छा, अब देखें क्या करते हैं ये, इन्होंने एक दूसरा सिनेरियो बनाया कि जी बिफोर पिक्चर के ऊपर ना माउस जैसे ही कोई लाता है तो उसको स्वाप कर देते हैं, और माउस आउट पर पुरानी वाली दोबारा दिखा सकते हैं मे बी। ठीक है, सेम तरीके से पुरानी वाली दोबारा दिखा सकते हैं कि जो स्वाप कर दें वो पुरानी वाली दोबारा दिखा दें।